वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कर मेरा काम कंप्लीट कर लिया। तो आज क्या करते हैं, तो देख सकते हो मैंने पीसी वगैरह सब ऑफ कर दिया, क्लाइंट्स के साथ काम हो गया, ट्रेडिंग का काम हो गया। तो अब हम थोड़ा सा देखिए, जो डायरी है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, उसके बाद बाकी देखते हैं क्या होता है, आपको बताएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा, और गाइस ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए आज का दिन भी स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया कीज, तो हम जाएंगे अभी सैलून। तो चलिए चलते हैं, सीधा स्कूटी निकालते हैं और जाएंगे, उसके बाद बाकी क्या क्या होगा देखेंगे। चलो एकदम ठोकर कल इसको अच्छे से रखा है, तो साफ है आज, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंजन को हीटअप कर लेते हैं। चलो इसका वेदर का हो गया, थोड़ा सा गर्म होते ही हम निकलेंगे अभी या सैलून की तरफ, उसके बाद बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, चलो गाइस मैं सैलून पे गया था, बट अनफॉर्चुनेट मैं फोन ही लेके जाना भूल गया था, तो इसलिए कुछ नहीं दिखा पाया। अब सीधा घर पहुंचे हैं, तो बाल भी कटवा लिया, दाढ़ी काटने के लिए गया था, बोला सजेस्ट किया कि बाल भी कटवा लो, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो इसलिए काट लिया। और आते वक्त मैंने थोड़ा सा मछली भी लेके आया, तो आज हम थोड़ा सा मछली खाएंगे, मेरे वैसे भी मूड कर रहा था। तो चलिए इसको दे देते हैं, उसके बाद बाकी नहा धो लेते हैं, उसके बाद बाकी प्लान करते हैं गाइस। ओके, तो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। ये थोड़ा सा लाइट जा रहा है इसलिए गाइस, कैसा है हेयरकट बोलना, ये बाल एकदम खराब हो रखा है, स्कूटी से आया था इसलिए, बाकी बताना कैसा लग रहा है। ओके, तो चलिए अब दूसरे काम में मन लगाते हैं। फिलहाल नहा धोकर आ गया हो फ्रेश होकर, तो दीवार पे आप देख सकते हो एक पांडा भी है यहाँ पर देखिए, और मेरे हाथ पे है ये क्या है, डार्क फैंटेसी। अभी इसको खाएंगे और थोड़ा सा काम में बैठेंगे, मार्केट वॉच करेंगे, उसके बाद बाकी क्या होता है सोचेंगे काम करते करते। पहले मैं खत्म कर लेता हूँ ये डार्क फैंटेसी। ओके, और बैठते हैं मेरे टेबल पे, तो देखते हैं मार्केट वॉच करते हैं क्या हो सकता है, और कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं काम पे वो देखते हैं, उसके बाद सोचेंगे बाकी इवनिंग का प्लान, कहाँ जा सकते हैं आज, क्या कर सकते हैं। ओके, तो डेस्क पे बैठते हैं पहले। चलिए, तो पीसी ऑन हो चुका है, तो निकाल लेता हूँ मैं भी बैठ कर। तो सबसे पहले एक हाथ से शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है, माउस को ऑन कर लिया, चलो इसको अनलॉक कर लेते पहले। अरे क्या हुआ, आने जा, उसके बाद पीसी ऑन, और मुझे लगाना पड़ेगा अपना स्पेक्स, क्योंकि पीसी के सामने हूँ, बहुत टाइम बैठना पड़ता है, इसलिए लगा लेते हैं स्पेक्स। ओके, तो देखिए गाइस स्पेक्स मैंने लगा लिया, स्पेक के साथ कैसे दिखते हैं हम देखिए। तो चलिए काम करते हैं थोड़ा सा। ओके गाइस, तो काम होने के बाद मिलते हैं आपसे, पहले काम कर लेता हूँ, काम खत्म कर लेता हूँ, क्या क्या है देखते हैं, उसके बाद खाना पीना खाएंगे, बाकी बताएंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग गाइस, काम खत्म कर लिया, रात हो चुका है, तो अभी निकलते हैं थोड़ा, कहाँ जाएंगे ये कंफर्म नहीं हुआ, तो चलिए निकलते हैं, आपको दिखाएंगे अगर कहाँ पर जाना होता है, क्या होता है वो सब आपको दिखाएंगे। तो सुबह से काम करते करते रात हो गया, तो थोड़ा सा निकलते हैं, बोर भी लगा है बहुत, तो बोरियत को ख़त्म करके आते हैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ। तो चलिए गाइस चलते हैं, अभी स्कूटी निकाल लेते हैं, मैं सॉरी कीज लेना ही भूल गया, तो कीज ले लेते हैं पहले, कीज कहाँ है मेरे पास, यहाँ पर कीज ले लिया, तो चलते हैं। चलिए, तो देखिए गाइस हम पास में ही नदी के किनारे आए हैं, यहाँ पर लसित बरुण का स्टेचू भी है, नीचे थोड़ा सा पानी है, वो वहाँ पर नदी है, आप देख सकते हो लाइट वगैरह, चारों तरफ लोग वगैरह घूम रहे हैं, ये है मेन रोड, और उस तरफ है नदी, तो चलते वहाँ पर थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं, ठंडा हवा खाते हैं, उसके बाद सीधा एक और दूसरे जगह पर जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो देखिए पानी है बहुत सारा, देखिए लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बीच जैसा ही है ये समुंदर का, वो एक बोट भी है
कैमरा पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब ब्रिज बन रहा है, तो लोग गाना वगैरह सुन रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस जहाँ पर बोले थे आप लोगों को हम आएंगे उस जगह पे आ गए हैं, बट यहाँ पर बैठने के लिए जगह बहुत कम है और नीचे पार्किंग भी फुल हो रहा है, शायद हमको बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगा, तो फिर चलकर देखते हैं, अगर जगह होगा तो सही है, नहीं होगा तो बैड लक मान लेना। तो चलिए निकल के गया था, तब मैं मछली लेके आया था, तो अब लाया हूँ चिकन, तो अब इसको बनाएंगे मस्त तरीके से, आपको दिखाएंगे। ओके, तो आज बाहर ज्यादा घूमना नहीं हुआ और कैमरे की क्वालिटी थोड़ा मतलब खराब है, मेरा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छे से आपको सब कुछ दिखा भी नहीं पाया, जितना हो सका मैंने कोशिश की आपको दिखाने के लिए। तो अभी फटाफट से मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद घर में तो चिकन बनाने मुझे नहीं देता है, अलाउड नहीं है, तो अलग रूम है वहां पर जाएंगे, अलग किचन है, वहां पर अकेले बनाएंगे बिंदास आपके साथ, आपको भी दिखाएंगे। ओके, तो चलिए गाइस पहले फ्रेश होकर मैं रूम पे चलते हैं, बाकी रेडी कर लेते हैं बाकी। हेलो, किचन में स्वागत है आपका। तो ये है एक एक्स्ट्रा रूम खाली भरा है, तो यहाँ पर सेल्फ है जहाँ पर मैं अपना क्या लगा लिया है, ये अपना चूल्हा लगा लिया है, तो यहाँ पर ही मैं चिकन वगैरह बनाता हूँ, तो घर में अलाउड नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो बहुत ठंड पड़ रहा है, उसके ऊपर अभी ये सब चिकन वगैरह धोना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है, बट क्या कर सकते, खाने के लिए मन है तो खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खाने का मुझे शौक है। तो चलिए पहले चिकन को धो लेते हैं जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करते, और दूसरा काम भी है, जल्दी जल्दी चिकन वगैरह बनाकर आपसे बात करके ब्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं, ब्लॉग ऑलरेडी शायद बहुत लंबा हो चुका है आज। ओके चलो, तो गाइज मेरा मसाला वगैरह सब रेडी हो चुका है, तो देखो चिकन धोकर रेडी हो गया है, ये है हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला, अनियन गार्लिक वगैरह है कुछ, ये आलू वगैरह कुछ मसाला, ड्राई पाउडर वगैरह है। तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं, चूल्हे को जलाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा, चलो। तो गाइस स्टार्टिंग कर दिया मैंने, मसाला जा चुका है, तेल गरम है, शायद पानी है तो बाकी ग्राइंड किया हुआ मसाला वगैरह डालते हैं। तो ये है मेरा चटपटा स्पेशल चिकन मसाला, तो मैंने अपने आप इसको बनाया है, इन्वेंट किया है स्पेशल मसाला, जब ये यहाँ पर जाएगा तब मतलब जो इसका स्वाद है वो निखार के आएगा। तो अभी इसको मैं डालने वाला हूँ इधर, उसके बाद जाएगा चिकन आलू, वो क्या टेस्ट होगा गाइस, देखिए तेल निकल रहा है, फिर से जो खुशबू है अभी से आ रहा है वो गाइस क्या बोलूँ, जो मैं आपको स्मेल नहीं सुना सकता, अगर स्मेल आप टेस्ट कर पाते तो क्या ही बोलो। चलिए अभी इस पे डालते हैं स्पेशल हमारा जो मसाला है मेरा बनाया हुआ खुद का, तो देखिए डाल दिया स्पेशल मसाला, तो अब आएगा इस पे असली टेस्ट। चलिए इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, कलर देखिएगा, कलर देखिए, सोच लीजिए भी कैसा आएगा, कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई रेसिपी वाला वीडियो नहीं, बस मेरा डेली लाइफ का एक पार्ट है इसीलिए बस बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी काम कर लेता हूँ, एक हाथ से वीडियो बना बना कर बनाने में दिक्कत होता है गाइस। देखो कैसा बन रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो ये है लेग पीस, स्पेशल मसाला में भून रहे हैं हम अपना चिकन। तो लोग हमेशा चिकन हो या अगर कोई भी करी पे गर्म पानी डालता है, और मैं मेरा स्पेशल रेसिपी है मैं डालता फ्रिज का पानी, ठंडा पानी डालता हूँ, अगर ठंडा पानी डालोगे तो इसका जो स्वाद निकल के आता है ना वो कुछ अलग ही लेवल का है, आप कभी ट्राई करके देखो और कमेंट करके बताना अगर ऑलरेडी ट्राई किए हो, और कलर देखकर
जो ग्रेवी है, ग्रेवी का थिकनेस और कलर देखकर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो देखो, तो अभी इसके थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, मसाला में मैंने भून लिया, तो अभी पानी डालेंगे, ग्रेवी बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो काम खत्म करेंगे, ब्लॉग भी खत्म तो करना है, बस सुबह से ये ब्लॉग चालू है तो रात हो चुका है, इसको खत्म करना है, एडिट करना है, उसके बाद अपलोड भी तो करना है आप लोगों के लिए। तो चलिए फाइनल लुक आपको दिखाएंगे खोने के बाद में। ओके, तो बना लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरा जो स्पेशल करी है वो रेडी हो चुका है। तो अभी इस पे क्या करेंगे, इस पे गार्निशिंग के लिए धनिया देंगे, तो डाल दिया ऊपर से। अब जो खुशबू आएगा, जो टेस्ट आएगा, वो मतलब ये जो कोरिएंडर लीव्स है, ये इसका जो टेस्ट है और स्मेल है, इसको और भी थोड़ा सा एनहांस करेगा। तो हो गया, अब इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, तो कुछ ही देर में इसको खाएंगे रोटियां चावल के साथ। तो हो गया, इसको ढक्कन रख लेते हैं अभी। तो गाइस, सब कुछ खत्म हो गया, तो ब्लॉग अभी एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, अगर कुछ गलती हो गया है तो कमेंट करके वो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो मैं सही कर पाऊँ। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कल है क्रिसमस, तो कल एक स्पेशल वीडियो आएगा आपके लिए, तो रेडी रहना गाइस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तो तभी नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएगा। तो चलिए, हैव अ गुड डे गाइस।